नमस्कार, आप देख रहे हैं द डेली डाइट और मैं हूं शुभता। मसाला चाचा चौधरी के एमडी ने दावा किया है कि बिजली चलित ओखली यानी कुटाई मशीन का निर्माण सबसे पहले कोल्हापुर के विश्वकर्मा इंडस्ट्रीज ने किया। पेटेंट का अधिकार विश्वकर्मा इंडस्ट्रीज का है। साथ ही बिजली चलित ओखली को लेकर चाचा चौधरी ने कहा, सबसे पहले बिहार में मैंने किया बिजली चलित ओखली का उपयोग। पूसा संस्थान के पेटेंट कराने के दावे पर चाचा चौधरी, मसाला के एमडी रौनक चौधरी और रंजीत चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया। हिंदुस्तान में कल के पेपर में 14 मार्च वाले पेपर में एक न्यूज आया था, उसमें ये कहते हैं कि एक संस्था है जो कि बिजली चलित ओखली का आविष्कार किया है और वो पेटेंट के लिए तैयार है। हम इस खबर का खंडन करते हैं। हम खंडन इसलिए करते हैं क्योंकि ये आविष्कार नहीं है। हम इसी मशीन के थ्रू पिछले 2 साल से मसाले कूट रहे हैं। जनवरी 2021 में हम इस मशीन को कोल्हापुर से लेकर के आए थे, कूटने वाली ओखली, इलेक्ट्रिकल ओखली, और आज हमारे प्लांट में जो भी मसाला बनता है वो सब कूट के बनता है इसी मशीन के द्वारा। तो हमारा ये कहना है कि ये आविष्कार नहीं है, ये मशीन ऑलरेडी कोल्हापुर में कुछ लोहार लोग बनाते थे और इसका क्रेडिट जो मिलना चाहिए गरीब लोहारों को, वो एक संस्था या कोई कंपनी इसका नहीं ले और ये जो इसके एक्चुअल निर्माता है उनको ये मिले। और अगर आविष्कार ये है तो ये मार्केट में नहीं होना चाहिए। मेरे पास आज ये इस मशीन के 5 मशीन यहाँ पे हैं और 5 अभी हमारी बन रही है। तो आखिर आविष्कार है तो ये मशीन यहाँ पे है कैसे? हम इस बात से बहुत खुश हैं कि ये मशीन अब पटना या बिहार में बनेगा, जिससे कि हम जैसे निर्माताओं को फायदा होगा कि हम जो मशीन गुजरात से या महाराष्ट्र से लेके आते हैं हमें यहाँ लोकली मिल जाएगा। तो ये बहुत अच्छी खबर है कि हम पटना में इस तरह का सेटअप कर रहे हैं। लेकिन साथ ही इस बात का दुख है कि हम इसको आविष्कार नहीं बोलना चाहिए, ये एक रिवर्स इंजीनियरिंग है जो कि ऑलरेडी लोग कर रहे हैं, उसको यहाँ पे दोबारा किया जा रहा है जो कि अच्छी बात है, लेकिन आविष्कार नहीं है, यही हमारा। और भी मसाला उद्योग इस मशीन का इस्तेमाल कर रहे होंगे, जाहिर सी बात है, फिर आप ही इसको खंडन क्यों? आज के दिन में पटना बिहार में पटना में कोई ऐसा ब्रांड नहीं है जो कि मसाला कूट के बनाता है। जो भी मसाला है मैन्युफैक्चरिंग वो लोग सब मसाला बनाते हैं पीस के या पल्वराइज करके। महाराष्ट्र में कुछ फैमिलीज हैं गृह उद्योग की तरह लेडीज जो कि एक आध मशीन लगाई हुई है और वो लोग इसको बनाती हैं। उन्हें मतलब नहीं है कि कोई आविष्कार बोले या कुछ बोले। हम लोग चाहते हैं कि जन के सामने अच्छी बात और सही बात सामने आए और जो लोग मेहनत करके इसको बनाए उनको इसका क्रेडिट मिले। तो ये कूट के मसाला और पीसने में क्या अंतर होता है कि इसके लिए इतना ज्यादा? हमारा जो पुराना टेक्निक रहा है अपने हिंदुस्तान का वो रहा है कि हम लोग हमेशा से मसाला कूटते थे। हमारी दादी माँ वगैरह मसाला कूट के ही ओखली में बनाती थी, लेकिन जैसे जैसे एडवांसमेंट हुआ लोग इसको चले गए मैकेनिकल प्रोसेसेस में। तो मैकेनिकल प्रोसेस में क्या हुआ कि टाइम के लिए और उसमें ज्यादा समय लगता था तो लोग उसको चले गए पीसने में। तो मशीन से मसाला पीस दिया और काम खत्म। क्या दिक्कत है कि आज के दिन में हमारे बीच में जागरूकता नहीं है कि पीसने से क्या प्रॉब्लम होता है। लोग कूट के मसाला फिर क्यों खाते थे? पुराने जमाने में इतने हेल्दी क्यों रहते थे? क्या रीजन था उसका? कूटने से मसाला का जो भी पोषक तत्व है, हर खाने वाली वस्तु के लिए एक न्यूट्रिशन कंटेंट होता है जो कि होना चाहिए। मान लेते हैं कि किसी खाने में अगर 20% प्रोटीन होना चाहिए, अगर वो नहीं है तो वो खाना फिर वो उस क्वालिटी का नहीं है, राइट? पीसने से क्या होता है कि मसाले का जो भी न्यूट्रिशन कंटेंट है या जो भी उसका तेल है वो सब उड़ जाता है या जल जाता है क्योंकि वो गर्म होता है पीसने में, ठीक है? कूटने वाले से क्या होता है कि जब मसाले को कूटते हैं तो वो ठंडा रहता है और उससे उसका जो भी न्यूट्रिशनल कंटेंट है वो सब रिटेन कर जाता है। इसका एक उदाहरण आप लोगों के सामने ये मैं देना चाहता हूँ कि अगर आप हमारी लाल मिर्ची अपने घर ले जाओगे और अगर आप आज अपने घर में 1 चम्मच मिर्ची से खाना बनाते होगे और कल आपने अगर 1 चम्मच मिर्ची हमारे चारों मसाले का डाल दिया तो आप कोई खाना नहीं खा पाओगे क्योंकि इतना ज्यादा तीखापन हो जाएगा। फिर तीखापन क्यों आएगा? इसलिए आएगा क्योंकि हमने इसका जो प्रोसेस से बनाया है उसका पूरा क्वालिटी रिटेन कर दिया है। इसी तरह से अगर हल्दी आप हमारे यहाँ से ले जाते हो और जो आप दाल बनाते होगे तो कुकर में पीली रंग लग जाती है, हमारी हल्दी से बनाओगे तो कोई भी रंग उस पर नहीं लगेगा। तो क्या है कि हमें कुछ भी ऑल्टरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि हमारा मसाला इतना बढ़िया क्वालिटी का है और मार्केट में प्रोवन है। आज के दिन में हम हरिलाल, बीकानेर, हल्दीराम इन सबको मसाला हमारा ही जाता है। आप जो भी हरिलाल पे समोसा या कुछ भी खाते होंगे वो सब हमारे मसाले का बना हुआ है। उसके अलावा हम आप रिटेल में भी हरिलाल के सारे काउंटर पे हम लोग हैं, पीएमए मॉल में, खादी मॉल में और अपना एक रिटेल आउटलेट भी है बुरी रोड, तो वहाँ ही मसाला मिलता है। तो वो मशीन दिखा देंगे क्या? अच्छा एक मिनट, मशीन तो देख ही लेंगे। पेटेंट कराने का क्या नुकसान है? लोगों को तो रोजगार मिलेगा ना जो बना रहे हैं। जी, तो पेटेंट कराने का मतलब है कि पेटेंट जरूर, हम पेटेंट का खंडन नहीं करते, हम बस ये बोलना चाहते हैं
कि जिसने सच में आविष्कार किया है पेटेंट उसके नाम पे हो, जो गरीब लोहार वहां बना रहा है उसे ये फायदा मिले, ना कि किसी संस्था को जो कि ऑलरेडी संपन्न है। पेटेंट का मतलब ये होता है कि सिर्फ वही बनाए, हाँ उनको फीस देना होगा यदि कोई दूसरा बना रहा है। नहीं तो आपको ये डर सता रहा है कि मशीन महंगी हो जाएगी? हम तो खुश हैं। नहीं, पेटेंट होने के बाद मशीन महंगी हो जाएगी आपके लिए? नहीं, मशीन क्या, हम तो रिवर्स इंजीनियरिंग करके उसको ऑलरेडी अपने पास रेडी है, हम तो मशीन ऑलरेडी बना रहे हैं, पेटेंट का सवाल ही क्या होता है। हम तो खुश हैं कि पटना में बनेगा। हमारे पास एक ही कंसर्न है कि जो गरीब लोहार का कोल्हापुर में इनका उसे पेट पोषण होता है, अगर आप उसको भी पेमेंट करा के मशीन बनवाओगे उनकी ही टेक्नोलॉजी का, तो ये तो सरासर गलत है। मतलब आप क्लेम भी करेंगे क्या कोर्ट में किसी तरह? नहीं, हम लोग मशीन मैन्युफैक्चरर नहीं है, हम किसी तरह का कोर्ट में नहीं जाएंगे, लेकिन हम पेटेंट अधिकारियों को एक चिट्ठी जरूर लिखेंगे कि जो भी सच्चाई, क्योंकि हमें इससे रूबरू है और बाकी जनता और मीडिया इसमें से रूबरू नहीं है कि ये मशीन मार्केट में है, क्योंकि मशीन बहुत पेक्यूलियर है, लोगों को पता भी नहीं कि मशीन मार्केट में है। तो हम वो काम कर रहे हैं कि जन में ये बात को बता रहे हैं कि क्या सच्चाई है और ये मशीन ऑलरेडी है। जन के साथ अधिकारियों को भी आप बताएंगे? जी, हम अधिकारियों को चिट्ठी लिखेंगे, लेकिन हमारा कोई मोटर नहीं है कोर्ट केस वगैरह करने का, हमें मसाला आप एक इन्फॉर्म कर देंगे? हाँ जी, हमें बेस्ट मसाला कूट करके लोगों को खिलाना है और हम लड़ाई वड़ाई नहीं करने वाले हैं। क्या मीडिया के थ्रू तो ये न्यूज आ ही जाएगा, मीडिया के थ्रू ये मैसेज देना चाहते हैं कि जो सच्चाई है उसको एक्सेप्ट किया जाए। और ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहें द डेली टाइम के साथ।